सोनीपत हरियाणा से एक दर्दनाक हादसे की खबर ने एक बार फिर से प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। सोनीपत के कैमी बैंक्वेट हॉल के सीवर को साफ करते समय पिता पुत्र के साथ एक अन्य कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रशासन ने बिना किसी उपकरण के ही दोनों को सीवर की सफाई के लिए भेज दिया था, जिसके चलते सीवर में जहरीली गैस फैलने से पहले तो कर्मचारी बेसुध हो गए और उसके बाद सीवर के गंदे पानी में डूबकर तीनों की मौत हो गई। हादसा करीब दोपहर 1:15 पर हुआ। मरने वालों में एक का नाम प्रेम और उसका पुत्र विनय है और तीसरे का नाम दीपक बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि घटना लापरवाही की वजह से हुई है। ठेकेदार ने बिना किसी सेफ्टी उपकरण के कर्मचारियों को टैंक में भेज दिया था, जिससे यह हादसा हुआ। निगम में सफाई कर्मचारियों की जर्जर व्यवस्था ऐसी है कि जिन कर्मचारियों की मौत हुई है वो निगम के कर्मचारी भी नहीं बताए जा रहे हैं। सोनीपत में इस तरह का हादसा अप्रैल 2017 में भी हो चुका था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उससे भी प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली और फिर से इन 3 लोगों की जान निगम की लापरवाही के चलते चली गई। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनीपत से प्रदीप अंतिल की रिपोर्ट।